इनसाइडर लाइफ को मैं का मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन एक खास मकसद के लिए किया है और वो है राजीव लोचन प्रसाद, जो हम सब के जानने वाले। उनके पास में इतने स्रोत नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाए। हम लोगों से जितना बन पड़ा हमने किया, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते थे कि वो समाज को हम साथ करें, ताकि समाज को भी लगे कि हमारे बीच का ही कोई आदमी के जीवन में उनका भी योगदान हो रहा है। इन सारे राज को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, राजीव लोचन प्रसाद जी के लिए, और खास करके उन कोरोना योद्धाओं के लिए, उनको सम्मान देने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में इनसाइडर लाइव द्वारा कलावृष्टि नामक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजीव लोचन प्रसाद के किडनी ट्रांसप्लांट में आर्थिक सहयोग और कोरोना में निस्वार्थ भाव से सहयोग करने वाले योद्धाओं को सम्मानित करना था। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत नृत्य संगीत डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों ने झूमर नृत्य से की, जिसमें झारखंड की लोक संस्कृति को दिखाते हुए गीत छोटा नागपुर, हीरा नागपुर और हाय रामपान गिरजा के ढोल के जरिए पेश किया गया। इसके बाद बिहार आर्ट थिएटर के कलाकारों ने धरती आबा नाटक का मंचन किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी, रांची यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर कामिनी कुमार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, फिल्म जगत के अभिनेता मोहम्मद जिशान, नीलिमा पाठक उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन रेडियो मिर्ची के मशहूर आरजे शशि ने किया। कार्यक्रम के दौरान राजीव लोचन की पत्नी अनामिका लोचन को 10 लाख रुपए का चेक इनसाइडर लाइव की तरफ से सौंपा गया। साथ ही कोरोना योद्धा के सदर अस्पताल के डॉक्टर अजीत कुमार, नीरज कुमार, प्रवीण लोहिया और मोहम्मद खालिद को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड की अनूठी झलक देखने को मिली। जहां इस कार्यक्रम में झारखंड के युवाओं की टीम ने बिहार का लोक नृत्य पेश किया, तो वहीं बिहार आर्ट थिएटर की टीम ने धरती आबा का नाटक मंचन भी किया, जिसके बाद वहां मंचन देखने आए दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। बिहार और झारखंड दोनों ने एक दूसरे की विरासत और लोक कला के इस शानदार प्रदर्शन से कलाकारों के नाट्य मंचन का ऐसा जीवंत प्रदर्शन किया कि दर्शक भी भाव विभोर हो उठे। वहीं अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा कि रंगमंच की पृष्ठभूमि होने के कारण अक्सर रंगभूमि की तरफ खींचा चलाता हूं। दर्शक के बिना आयोजन नहीं होता, कलाकारों की मेहनत रंगमंच की यात्रा और भाव में झलकती है, इसलिए रंगमंच सिर्फ अभिनेता ही नहीं व्यक्ति को इंसान बनाने में भी मदद करता है। बढ़िया तरीके से मंच का संचालन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े लोगों का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है, सारे कलाकारों को मिल रहा है, जिसमें कि हमारे विशिष्ट अतिथि हरिवंश नारायण जी, उनका आशीर्वाद इस आयोजन पर है। इससे बड़ बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। साथ ही साथ इसी महोदय की उपस्थिति इस आयोजन को और चमका रही है, उसमें बहुत सारे रंग भर रही है। और जहाँ पर दर्शक ना हो और दर्शकों का उत्साह ना हो, वह आयोजन नहीं रहता है। तो आप जैसे दर्शक भी हैं यहाँ पर, और दूसरा इनसाइडर लाइफ को मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन एक खास मकसद के लिए किया गया और वो है राजीव लोचन प्रसाद, जो हम सब के जानने वाले। उनके पास में इतने स्रोत नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाए। हम लोगों से जितना बन पड़ा हमने किया, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते थे कि वो समाज को हम साथ करें, ताकि समाज को भी लगे कि हमारे बीच का ही कोई आदमी के जीवन में उनका भी योगदान हो रहा है। तो इन सारे राज को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, राजीव लोचन प्रसाद जी के लिए, और खास करके उन कोरोना योद्धाओं के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, जिन लोगों ने अनजाने लोगों को, जिनके अपने भी जिनको छोड़ के चले गए थे, उनका अंतिम संस्कार किया, उनके पार्थिव शरीर को कांधा दिया, उन सबको हमारा सलाम। वहीं इस आयोजन के गवाह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी बने।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल प्रकृति की विपदा के रूप में आया। इस दौरान लोगों ने चुनौतियों के प्रति क्रिएटिव रिस्पॉन्स करना सीखा। इतना ही नहीं, चुनौतियों ने समाज को एक साथ मिलकर रास्ता निकालना भी सिखाया। दरअसल सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि चैरिटी शो है और जिस मकसद से किया गया और जिस संस्था ने किया वो बधाई का पात्र है। एक बड़े मकसद से और इस अवसर पर बड़े मकसद से आयोजित इस कार्यक्रम में एक ऐसे नाटक का मंचन जिसने आने वाले समय में और अतीत में भी समाज को अंदर से उद्वेलित किया है, उस बिरसा मुंडा के बारे में सारी चीज़ें वो नाटक इस अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आयोजकों को और मनोज वाजपेयी जी और सारे कलाकार जो मौजूद हैं यहाँ पर, उन सबको इसमें शरीक होने के लिए बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे जो मकसद है, उस मकसद की मैं प्रशंसा करता हूँ और समाज को इस मकसद के साथ जुड़ना चाहिए। इस दौरान अभिनेता ज़िशान अयूब ने कहा कि रंगमंच और फिल्म के लिए यह जरूरी था। जिस तरीके से झारखंड में इस तरीके का चैरिटी कार्यक्रम इनसाइडर लाइव की तरफ से किया गया और मुख्य रूप से जिन भी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उन सभी को इनसाइडर लाइव की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी यही अपील रहेगी कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके की ज़रूरत होती है तो आप भी इस तरीके के चैरिटी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोगों की मदद करें। ये पहली बार है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे झारखंड आकर। थैंक यू, और बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत कमाल की जगह है, मैं दोबारा जरूर आना चाहूँगा। लव यू टू। वैसे थकर थक लगनी लगनी दिए जा रहे हैं वो मतलब इंडिया के टाइम स्मार्ट डे का लगी हुआ है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।